हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अनाउंस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सीबीएसई का 10th और 12th का रिमेनिंग एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया है। रिमेनिंग एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, मतलब अब जो भी मार्क्स आएगा वो प्रीवियस तुम्हारे जो भी एग्जाम हुए हैं ना उनके बेसिस पे किए जाएंगे। जो भी तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स हुए थे उनके बेसिस पे तुम्हें मार्किंग दी जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है कि 12th वाले सीबीएसई बच्चों के लिए ऐसा ऑप्शन रहेगा कि वो जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो सीबीएसई दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो वो एग्जाम में अपीयर हो भी सकते हैं। उनकी मर्जी पे है कि वो एग्जाम में अपीयर अगर करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, नहीं तो वो नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका जो भी रिजल्ट होगा वो पुराने एग्जाम के या पुराने जो भी एग्जाम हुए हैं जो इंटरनल मार्क्स है उनके बेसिस पे दिया जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का तुम रिपोर्ट देख सकते हो कि सेंटर ऑन थर्सडे अनाउंसेस दैट रिमेनिंग एग्जाम ऑफ क्लास 10th and class 12th of CBSE board will not be conducted. Conduct नहीं किया जाएगा. The student will have an option. यह option कब होगा? जब सारा situation control में आ जाएगा उसके बाद. ठीक है? Appear in the examination if they wish to. अगर उनका तुम्हारी इच्छा है तो तुम बैठ सकते हो exam में. But if they don't want to appear, their performance in the last two exam will be considered to grant them marks. तुम्हारे पिछले एग्जाम के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स दे दिया जाएगा, लेकिन ये फैसिलिटी 10th वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ 12th वाले के लिए है। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें एग्जाम देना है तो ठीक है, जब डेट निकलेगा, सिचुएशन कंट्रोल में आएगा, अभी पता नहीं क्या होगा, स्टे सेफ, क्योंकि कंट्री में कोरोना के 4.5 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं। तो प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखना और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। यूट्यूब पे कई सारा 10 वीडियो देख लिया, वो टाइम मत करना वेस्ट। न्यूज तुम्हें मिल गया है तो बस अपना पढ़ाई करते जाओ, क्योंकि जब भी अपना एग्जाम होगा तुम उसके लिए रेडी रहो। ठीक है ना? खैर, सीबीएसई का कैंसिल हो गया है, नीट और जेईई मेंस के बारे में अभी कोई क्लेम नहीं कर सकता हूं मैं। नीट का आज अनाउंस होने वाला है कि क्या होगा, न्यू डेट पोस्टपोन होके अब नया डेट क्या होगा वो आज अनाउंस होने वाला है। जेईई मेंस के बारे में अभी कोई ऐसा खबर नहीं है, एनटीए ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि डेट आगे एक्सटेंड होगा ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अपना ख्याल रखना। बाकी एटीपी के साथ जुड़े रहो, जो भी न्यूज रहेगा तुम्हें सबसे पहले बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।